नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रीति। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के पाल कॉलेज में, जहां पर अवार्ड सेरेमनी और एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। जिस तरह से आज का जो दौर है वो कंपटीशन से भर गया है, युवाओं के लिए खासा कंपटीशन आज के दौर में देखा जा रहा है। ऐसे में इस तरह के आयोजन से युवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा कदम है। मैं आपको बता दूँ कि हल्द्वानी के अलग अलग स्कूलों के बीच कॉम्पिटिशन करवाया गया था, जिसमें जो बच्चे विनर्स निकले हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से, और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही बात करेंगे इस कॉलेज के डायरेक्टर से कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें एक बच्चे के भविष्य के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी। आज इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ है, जॉइंट कोलैबोरेशन हिंदुस्तान का और पाल कॉलेज का है, जिसमें कि करियर रोड मैप पे और एक ओलंपियाड भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बच्चे अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, किसको क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना है। आज की तारीख में बहुत से हमारे इन्फॉर्मेशन के साधन हैं, बस पहचानना है कि किस ओर हमारा रुझान है, और उसके लिए कई तरह की हेल्प्स हैं। एंड आई एम श्योर इसका बेनिफिट बच्चों को होगा, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्रोग्राम जो बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, ये होना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ जो युवा को सही दिशा में ले जाए इज़ मोस्ट वेलकम एंड इज़ ऑलवेज वेलकम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसको कंडक्ट कराया गया। बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है आज के दौर में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन कितने अच्छे हैं बच्चों के लिए? मैं समझता हूँ कि यह जो आयोजन आज यहाँ पर हुआ है, इससे कुछ भावनाएं जागृत होंगी बच्चों में, और ये जो समय होता है हर एक बच्चों के लिए, जो कि 15 साल 16 साल के बाद जब उनका करियर में उनका एप्टीट्यूड पता चले, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या आज चीन से भी ज़्यादा हो गई है, और ये उम्र के लिहाज से बहुत आवश्यक है कि उनको पता चले कि उनको करना क्या है। आजकल वो समय है जबकि माता पिता के कहने पे कैरियर नहीं होता, आज बच्चों को निर्धारण करना पड़ता है कि वो किस लाइन में जाएंगे या क्या करेंगे। तो ये आयोजन जो है ये बहुत अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं, और मैं कहता समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, भारत के जो युवा वर्ग है पूरे विश्व में, आज भारत सबसे युवा राष्ट्र है, जहाँ की 64% जो जनसंख्या है वो 35 साल से कम है, और भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि मैं NCC में 13 लाख कैडेट्स के साथ रह चुका हूँ, तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। हमारे युवा वर्ग को बस दिशा और दशा, इन दो चीज़ों को बताने की आवश्यकता है, बाकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं। जिस तरह से आजकल का जो युवा है वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जो युवा है वो डीमोटिवेट हो रहा है या फिर अलग ट्रैक पे जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। देखिए, हर राष्ट्र की ये प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर रोल जो है समाज का ज़्यादा है, माता पिता का ज़्यादा है, वो उनको भी पता होना चाहिए कि घर में कौन किस चीज़ में संलिप्त है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कुछ सब कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, नशा जो है वो ठीक चीज़ नहीं है, और ये समाज का उत्तरदायित्व है मिल जुल के। अब जब से हमारी पारिवारिक ये संयुक्त परिवार समाप्त हुआ है, तो उसके बाद ये चीज़ें बढ़ गई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज बच्चों के लिए यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है, क्या कुछ ही पूरा कार्यक्रम है? देखिए, हमारा प्रयास ये रहा है कि बच्चे अपने कॉलेज में अपने स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में कंपटीशन करके बच्चे आपस में ये जानते हैं कि हम जब रिलेटिव वर्ल्ड में दुनिया में आएंगे तो हम कहाँ खड़े हैं।
इसी कम्पटिटिव स्पिरिट के लिए ये कम्पटिशन डिफरेंट स्कूल्स में कराया गया था और उसमें से स्कूलों के बीच में कौन टॉपर्स हैं हल्द्वानी के अंदर, उनको आज अवार्ड दिया जा रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए ये जो कंपटीशन है कितने ज़रूरी होते हैं? देखिए, लाइफ और आज की दुनिया जो है बहुत कंपटीटिव हो गई है, तो आप अपने आप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उसने में सेटिस्फाइड लगते हैं, पर जब आप दुनिया में निकलते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में कहीं आगे लोग भी हैं। तो जब आप रिलेटिवली अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे तब आज की कम्पिटिटिव दुनिया में आपको सक्सेस और ज़्यादा मिलेगी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पाल कॉलेज में आज अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है, बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बहुत ही महान हस्तियों ने यहाँ पर शिरकत की थी, जिनसे हमने बात करी और उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए कई टिप्स बच्चों को दी। तो फिलहाल जे जे एन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रीति, जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।